हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के महाराष्ट्र बोर्ड तीसरे स्टैंडर्ड की हिंदी की एक लेसन। पहली इकाई का तीसरा लेसन है गौरिया मेरी सहेली। बहुत ही प्यारा लेसन है, आप भी पढ़ोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों, आपको ना हिंदी में रीडिंग डेली करनी चाहिए, उससे आपकी हिंदी की स्पीड बढ़ेगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरिया एक सहेली। गौरिया मेरी सहेली, वह घोंसला बनाती मैं बिगाड़ती। बच्चों, यहाँ पे जो स्टोरी बता रहे हैं ना, एक लड़की बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है कि उसके कमरे में एक चिड़िया थी जो घोंसला बनाती थी, और वो जो लड़की थी जिसका कमरा था वो उस घोंसले को बिगाड़ती थी। वह मुझे देखकर फुर से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। मतलब वो जो लड़की है वो बता रही है कि चिड़िया मुझे देखकर फुर से, मतलब जल्दी से उड़ जाती थी, और वो लड़की जो है, जो यहाँ पे जो लेसन जिसने लिखा है, वो बता रही है कि मैं गुस्से में आ जाती थी चिड़िया से। मतलब उससे हमेशा परेशानी रहती थी, हमेशा वो चिड़िया से नाराज़ रहती थी। पता नहीं इतना ज़बरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। मतलब यहाँ पे लड़की बता रही है कि चिड़िया जो थी वो अपना काम किए जा रही थी, मैं उसका विरोध कर रही थी, उसके बाद भी अपने काम से वो हटी नहीं और अपने काम पे डटी रही और वो करती रही अपना काम। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। मतलब लड़की यहाँ पे बता रही है कि मैं तो बहुत परेशान हो गई, पर वो जो गौरिया थी, यानी कि वो चिड़िया थी, गौरिया चिड़िया को बोलते हैं बच्चों, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया, जो चिड़िया थी अपने काम में जुटी रही और वो अपना घोंसला बनाती रही, और वो जो लड़की थी छोटी सी वो परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। मतलब इस चीज़ों में बहुत सारे दिन बीत गए। ये देखिए, ये लड़की है यहाँ पे, ये देखिए, ये लड़की आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली लड़की जो बता रही है हमें स्टोरी, और ये वाली है जो चिड़िया जो उसके कमरे में आ गई थी। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ। अब ये जो लड़की है उसको बहुत गुस्सा आ रहा था चिड़िया को देखकर। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे यह बात कि लड़की नाराज़ है चिड़िया से, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, यह बात पूरे घर भर में फैल गई। बाई साहब चिढ़ाते और पूछते कौन जीता और कौन हारा। बाई साहब मतलब इस जो लड़की है, ये वाली लड़की है, उसका जो बाई साहब है मतलब बड़ा भाई, वो उससे पूछता उससे कि कौन जीता, चिड़िया जीती कि तुम जीती और कौन हारा। धत तेरी की, थक गई। वह भी एक नन्ही गौरिया से, अब उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे और पूछ रहे थे, धत तेरी की, थक गई, एक छोटी सी चिड़िया से तुम हार गई, थक गई। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। मतलब ये लड़की बता रही है कि मेरे जो भाई हैं वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, और वो जितना चिढ़ाते थे ना उतना मुझे गुस्सा मेरा बढ़ते चले जाता था मेरा। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गौरिया पर नाहक नाराज़ होती रही, यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली, मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। अब एक दिन इस लड़की के भाई साहब आए और बोले, हंसकर बोले कि वो भाई साहब उसको चिढ़ाते थे, और उस भाई साहब को पता था कि लड़की की और चिड़िया की आपस में लड़ाई चल रही है। तो भाई साहब ने इसको बोला कि लड़ाई का क्या हाल है,
ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में समझौता, समझौता मतलब तुम दोनों के बीच में पैचअप हो गया। तब इस लड़की ने बोला, भाई साहब जाने दीजिए, बेचारी गौरिया पर तो मैं ऐसे ही नाराज़ हो रही थी, मुझे तो नाराज़ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो चिड़िया है वो तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है और मुझे उससे सबक लेना चाहिए, मतलब सबक लेना चाहिए मतलब मुझे उससे सीखना चाहिए कि मुकाबला जो करने वाले होते हैं, जो मुकाबला करते हैं हिम्मत से लड़ते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। मतलब जो बहुत ज़्यादा डटकर अपने आप को तैयार करके मुकाबला करते हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं, बाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मतलब जो बाई साहब है ना, इसकी बात सुनकर बहुत खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि वो समझ गए कि लड़की अभी समझ गई है, अब वो सयानी हो गई है, और वो भी हंस पड़ी। और उसके भाई को आश्चर्य लगा कि कैसे लड़की सयानी हो गई और वो हंस पड़ी। आज भी वह गौरिया मेरे कमरे में है, मतलब आज के दिन भी, बोलती है लड़की, बता रही है कि ये जो लड़की गौरिया, ये देखिए यहाँ पे घोंसला बनाए हुए है चिड़िया ने इस लड़की के कमरे में, हम देख सकते हैं, तो ये जो गौरिया है अभी भी उसके कमरे में है। अब उसके दो बच्चे भी हो चुके हैं, मतलब उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे कमरे में, अब भी तिनके बिखरे रहते हैं, मतलब उसके कमरे में छोटी छोटी घास के छोटे छोटे जो तिनके होते हैं वो बिखरे रहते हैं, उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। मतलब वो लड़की बता रही है उन तिनकों को समेट कर इकट्ठा करके वो एक कोने में, कॉर्नर में रख देती है। अब गौरिया मुझे बुरी नहीं लगती, मतलब अभी इस लड़की को चिड़िया बुरी नहीं लगती है, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है, मतलब गौरिया में उसको हिम्मत साहस दिखाई देता है। गौरिया अब मेरी सहेली बन गई है, अब ये लड़की बता रही है बच्चों कि गौरिया अभी मेरी फ्रेंड बन गई है। बच्चों देखिए, इस लेसन से हम लोग ये सबक सीखते हैं कि जो काम करते हैं, जो हिम्मत करते हैं और जो मुकाबला करते हैं, साहस होता है, उनकी कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा जीतते हैं। तो जीतने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई लेसन पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे तो वो वीडियो मैं चढ़ाऊँगी और आपकी हेल्प करूँगी। कौन से भी स्टैंडर्ड का हो सकता है बच्चों, कोई भी स्टैंडर्ड का वीडियो आपको चाहिए आप डालिए, मैं उसको समझाऊंगी और वो अपने वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।